अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। मजदूर है जिसका नाम है यादराम, वो 12 बजे से 8 बजे तक शिफ्ट में था। उसकी रात अचानक अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई, संभवतः उसको हार्ट अटैक से मृत्यु लोग बता रहे हैं, क्योंकि बड़ी गर्मी में वो काम करता है। उसी संबंध में जो है लेबर इंस्पेक्टर आए हैं और उनका आपसी सहमति समझौता हो गया है, उसको जो है उचित मुआवजे का चेक दे दिया गया है। सर, एक आरोप गेटमैन ने लगाया है जो मृतक को लेके गया था कि मैनेजर द्वारा शराब का पौगा खोल के डाला गया उस मृतक के मुंह में, आखिर उसका क्या उद्देश्य था? जब हमने यहाँ देखा मौके पे आके, ना कोई शराब थी, ना शराब का पौगा था, ना शराब की स्मेल आ रही थी। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रेमपाल। कहाँ पे बैठे हो आप? फैक्ट्री में, आलोक ग्लास में। क्या घटना घटी है यहाँ पे? यार मेरी पिताजी डेड हो चुकी है, पता नहीं कैसे हुई है। रात को खबर गई है, हम रात में ही भागे हैं पिताजी के पास, शाम को ड्यूटी करने आए हैं, उनके बाद ये पता नहीं बोले यहाँ पर दारू पी के मारे गए हैं। मेरे पिताजी कभी दारू नहीं पीते हैं, अभी नहीं पीते हैं, सिर्फ बीड़ी पीते हैं और कुछ नहीं पीते हैं, गुटखा भी नहीं खाते हैं। आप लोगों को सूचना कब मिली? हमको रात को सूचना मिली है, पुलिस प्रशासन रहते हैं। क्या चाहते हो आप? इंसाफ। हाँ, इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ चाहिए। हमारी पिताजी डेड हो चुकी है, हमारी माता जी है नहीं, हम तीन भाई हैं, हमारे जो चाहो हमारी माँ। मेरे भाई छोटे की शादी भी नहीं हुई है, अभी 2 महीने पहले इसकी शादी हुई है। अच्छा, तुम्हारे पिता शराब वगैरह पीते थे? कभी नहीं, सिर्फ अकेले बीड़ी पीते, कुछ नहीं पीते, गुटखा भी नहीं खाते हैं पिताजी। कब से काम कर रहे हैं फैक्ट्री? ये है 3 साल, 3 साल पहले से, 3-4 साल कार्य रहे हैं इसी फैक्ट्री में, करके इसी फैक्ट्री में। हां, उसमें नवीन में रहते हैं दोनों, एक ही मां के रहते हैं। शराब वगैरह इनको पिलाई गई है? ये मैनेजर ने पिलाई है, मैनेजर ने की सारी लक्ष्मी ने बोला है, मौके पर बात आती है, मैनेजर ने पिलाई है।